होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर सामान्यतः लोग ये मानते हैं छोटा चुनाव है, क्या काम करना। लेकिन उत्तर प्रदेश का नगर निकाय छोटा नहीं है, 762 नगर निकाय है, जिसमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिकाएं और 545 नगर पंचायतें। 4,32,00,000 मतदाता है, यानी 6 करोड़ की आबादी इस नगर निकाय में निवास करती है। भाइयों बहनों, जहां पर 6 करोड़ से भी की आबादी निवास करती हो, उसे छोटा कैसे कह सकते हैं? 6 करोड़ तो दुनिया के तमाम देशों की आबादी नहीं है, देश के अंदर तमाम राज्यों की आबादी नहीं है, ये छोटा कैसे? और फिर हमारे देश में महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री मोदी जी जो पैसा दिल्ली से भेजे, जो राज्य से आपके विधायक और सांसद पर पैसा लेकर के आए, वह पैसा जमीनी धरातल पर मेरे बिना भेदभाव के गरीब के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारी के लिए, समाज के हरेक तबके को सुविधाएं उसके माध्यम से प्राप्त हो, इसके लिए चुनाव कोई बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, गरीब के लिए, जनता के, जनता जनार्दन के लिए, प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसलिए आप सबसे अपील करने के लिए आपके पास आया हूं कि डबल इंजन पर एक ट्रिपल इंजन लगा दीजिए, विकास की गति कई गुना बढ़ जाएगी। पिछले 9 वर्ष के दौरान आपने देश का अवश्य देखा है, भारत आज एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर चला जा रहा है। दुनिया के अंदर कहीं कोई क्राइसिस आती है, दुनिया आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देखता है। याद करिए 2014 की पहले क्या स्थिति थी, क्या स्थिति थी, लोग शक्ति निगाह से देखते थे, भारत का सम्मान नहीं करते थे, आंतरिक का बाह्य सुरक्षा छिन्न भिन्न थे, कैसी स्थितियां थी, कहीं भी विस्फोट होते थे, कहीं भी कोई घुसपैठ कर लेता था, कभी भी कोई विदेशी दुश्मन भारत पर हमला करने की धमकी देता था, भारत के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, दुनिया में भारत की कोई साख नहीं बची थी, घोटाले में घोटाले ये भारत की पहचान बन गई थी। लेकिन 2014 के बाद भारत के बारे में नजरिया बदला है, आज दुनिया भारत को आशा भरी निगाहों से देखती है,